हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपसे अपनी वीडियो में बच्चों के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके बच्चे की तरह भी मेरा बच्चा है और वो भी नहीं बोलता था। बस कुछ कमी के कारण वो नहीं बोल पाया था, तो वही मैं आपको ये कमी साथ बता रही हूँ जो आपके सामने होते हुए भी वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, क्योंकि आपका बच्चा क्यों नहीं बोल रहा, सबके मन का सवाल यही होता है कि आखिर मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, उसी का जवाब लेकर मैं आज आपके साथ आई हूँ और आपको बताने वाली हूँ। तो आखिरकार आपका बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, तो इसका आंसर भी आप ही के पास है, क्योंकि आपका बच्चा या तो मोबाइल देखता है या तो टीवी देखता है, आप लोग के साथ घर में इंगेज नहीं रहता है। तो इसके सारे कमी के कारण हम लोग ही थे और इसकी ये कमी भी दूर हम ही लोग करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे बात करे, सभी से बात करे, तो सबसे पहले आप उनकी मोबाइल और टीवी को एकदम से बंद करें। मेरी बात का विश्वास करें, आप ये चीज़ एकदम से बंद करें, आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। और क्यों नहीं बोलेगा, सभी बच्चों की तरह भी हमारे बच्चे हैं। और क्या क्या आपने उन बच्चों को खुशी नहीं दी, वो सब खुशी देने की प्रयास कीजिए, आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। अब आप बोलोगे कि मैंने तो सारी खुशी दी, मैंने तो उसे सारे खिलौने दिए, मैंने उसे मोबाइल दिखाया, मैंने उसे बढ़िया खाना खिलाया। जनाब, ये वो खुशी नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों को खुशी देते हैं। मानते हैं कि अच्छा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन सबसे पहले बच्चों को परिवार के साथ बैठना उठना ये सब बच्चे अपने आस पास से ही सीखते हैं। जो हमने ये गलती की है मोबाइल के सामने बैठाने से, टीवी के सामने बैठाने से, और हम लोग उस रूम से अलग हो जाते हैं, जैसे किचन में काम करने चले जाते हैं, तो ये ही हम लोग गलत किए। तो बात समझने की आप कोशिश कीजिए, आप टीवी मोबाइल एकदम बंद करिए, और आप जो भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं टहलने के लिए, कोई काम कर रहे हैं, तो बच्चे को वहाँ पर शामिल करें, अपने साथ रखें, ताकि वो उसको लगे कि मम्मा पापा ये क्यों कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा, वो जानने की कोशिश करेगा, उसके अंदर की चाहत बढ़ेगी और वो उस चीज़ की नकल करने की कोशिश करेगा। बच्चे डायरेक्ट वो नहीं बोल पाएंगे, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जैसे कि मुझे भी किसी ने सिखाया है बात करने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, और ये कुछ चीज़ें नेचुरल भी होती हैं। तो जब तक ये सब पारिवारिक रूप से वो देखेगा नहीं, तो वो समझेगा कहाँ से। तो मैंने भी ये सारी चीज़ अपने बच्चे के साथ किया। मैंने भी बस उसे एक टाइम ऐसा था कि मुझे बहुत सारा सिर्फ काम ही दिखाई देता था, और बस बच्चे को मोबाइल देती थी और अपने काम में लग जाती थी। तो जिस कारण से मेरा बच्चा बोल के फिर आवाज़ उसका एकदम से बंद हो गया था, वो मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान पाता था, एकदम से पीछे चला गया था, और वो उसके नहीं बोलने के कारण से हम दोनों बहुत टेंशन में हो गए थे। खासकर तो माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, मैं बहुत ही रोती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे कारण ये पीछे हुआ है, तो मुझे ही इसे आगे करना है। तो मैंने उसे जो भी बचपन में खुशी नहीं दी, यानी कि मतलब अपने साथ नहीं रखा, मैंने उसे कुछ सिखाया नहीं, तो ये सब कारण से हमारा बच्चा पीछे चला जाता है। आप अगर किसी से बात करते हो, तो आप अपने बच्चे को अपने गोद में रख के उसे बात करें, ताकि वो सामाजिक रूप से वो सुन सके, नज़र में नज़र मिला सके, ताकि उसे लगे कि हाँ ये सब कोई आपस में बात कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। उसे अंदर से बच्चा को अंदर से बोलने के लिए जागृत करें, तो वो ज़रूर बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा। मेरे मन में मिला दिए सवाल था कि मेरा बच्चा नहीं बोलेगा अब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डायरेक्ट आपका बच्चा आप चाहोगे कि एक महीना में बोल दे, दो महीना में बोल दे, तो वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब अब उसके ऊपर है। जब हमारे ऊपर था तो हमने तो उसे कुछ सिखाया नहीं, अकेले मोबाइल देकर उसे छोड़ दिया। तो मेरी बातों का विश्वास कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और भी आगे जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी और अपने बातों को अच्छे तरह से समझाऊंगी, ताकि आपके बच्चों के लिए भी ये अच्छा हो सके, आपके बच्चे भी बात कर सकें, उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। जो काम मैंने किया वो सब काम मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने क्या किया कि मेरा बच्चा बोलना स्टार्ट करने लगा है। और ध्यान रहे कि आपका बच्चा डायरेक्ट सारी बातों को नहीं बोल सकता, बस वो अपनी तरफ से, जैसे किसी चीज़ को लेना है तो हाँ ना, सबसे पहले वो करना सीखेगा, फिर ही वो सभी बात वर्ड को बोल पाएगा। सारे वीडियो में ये बताते हैं कि आप उसे बोलो खाना खाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले बच्चा हाँ ना करना सीखेगा, तभी वो आगे बोलना सीखेगा।
तो धन्यवाद। तो मैं आपसे आगे इसी वीडियो के बारे में बात करूंगी और आपको वो बताऊंगी कि आगे क्या करना है।